नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं बाहर समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांवरों को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कांवर लाने वाले शिव भक्तों के मुंह से निकलने वाला बम बम भोले जैसे नारों से सड़कें गूंज उठी हैं। शिव भक्तों के द्वारा कांवरों को आधुनिक बनाते हुए कांवरों में तरह तरह की झांकियों का रूप दिया है, जो कि लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसी ही एक झांकी जब भक्त गंगा जी से मथुरा की तरफ जा रही थी तो झांकी को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। झांकी लाने वाले भक्तों ने शिव की प्रतिमा को कांवर का रूप दे दिया, जो आकर्षण का केंद्र थी। हम गांव छिटिकरा से आए हैं। कितने वर्षों से आप ये हमारे 25 साल से हम कांवर लेके आ रहे हैं। किस तरीके के आपके द्वारा किस तरीके नया दिखाई दिया है ये, कब से इसी तरीके से हर बार लेके आते हैं? नहीं, नहीं, ये तो हमने बीच में अपना किया है और हम इसको लेकर हरिद्वार से आते थे और यहाँ से हम दर्शन करने वाले लेके आते थे। अभी आप कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं? रामघाट से कांवर उठाई है और मथुरा मुक्तेश्वर पादे पर चढ़ाते हुए अपने गाँव छिटिकरा में आए। आपको रामघाट से कितने समय से आ रही हैं आप? 11 बजे तो खाई कल। कितने बार कितने मरतबा लेके आई हैं आप? पहली बार गई हैं क्या? 3 बार ले आई है बस। अच्छा, 3 बार में इस बार क्या क्या लगा आपको कहाँ से आते हुए में, या कुछ किसी तरह की परेशानी? रास्ते आपको कैसे मिले, आप वहाँ से आ रही हैं पैदल सफर करके, रास्ते कैसे मिले? पिछले ये पालकी किस तरीके से बनाई गई है? शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, इसमें आस्था ये बनाई हुई है? हाथों से ही बनाई है। क्या है इसमें खास इस तरीके से? भोले बाबा की मूर्ति है, इसकी पूजा करते हैं हमारा गंगा जल और भक्ति देश भक्ति के लिए ही हमने सब काम किया। आगे वाले भोले बाबा के इसमें पानी गंगा जल चलता है, नाश्ते आते हैं जा रहे हैं अपना आनंद ले रहे हैं। कहाँ से नाश्ते गाते चले आ रहे हैं आप शिव जी की? रामघाट से और वृंदावन और मथुरा चढ़ाई है। जैसे जब रास्ते कुछ असर देखने को मिला है क्या इस पे, इस बार शिवरात्रि पे कोविड का असर दिखाई देगा लोगों पर? विगत 23 वर्षों की भांति इस 24वें वर्ष में आज आस्था का कैंप प्रारंभ हुआ है शिव भक्त कांवड़ियों के लिए। ये शिव की बारात के स्वरूप में जो जन सहलाब उमड़ करके आता है, गंगा जल लेकर के भगवान शिव पे चढ़ाता है, वो शिव पार्वती के विवाह पर्व महाशिवरात्रि पर ये शिव की बारात है। उनके स्वागत के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं आस्था कैंप में की गई हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो है अभी कचौड़ी और जलेबी से प्रारंभ हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं चाय पापे कचौड़ी जलेबी सब चल रही है। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर में गर्म दूध मेवा का ठंडाई आलू की चाट व्रत वालों के लिए, आज एकादशी भी है, कई लोगों का व्रत रहता है, उनके लिए फल पेठा और पूरी सब्जी कढ़ी चावल ये सभी अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाले हैं। और इसके साथ ही शाम को टिक्की चाउमीन पाव भाजी ढोकला पड़ाके आइसक्रीम फ्रूट काउंटर मॉकटेल काउंटर इत्यादि इत्यादि के साथ माखन मिश्री का भगवान श्री कृष्ण का भोग रहने वाला है, क्योंकि ये ब्रज की धरती है, माखन मिश्री के बगैर यहाँ कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। और स्वयं विराजमान होंगे भगवान भोलेनाथ बाबा अमरनाथ।